जितना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया, आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत हिंदुस्तान इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत रहिए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं दो चार सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए। इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उत्तर राजस्थान भी बोल दीजिए, दलित आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है, मैं उस पे आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहां पे पर्सनल मत होइए। बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूंगी, राजस्थान की क्या बात करनी चाहिए? राजस्थान में तो ये मुझे जवाब दे दे, 25 लाख रुपए की एक चिरंजीवी योजना है, सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए का बिक रहा है, बाकी सारे देश में 1200 का बिक रहा है। राजस्थान में महंगाई से रिलीफ राहत कैंप लगाए गए। अरे कुछ अपनी डबल इंजन की सरकारों में भी ये करिए।